जी, क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज आपके साथ एक नई वीडियो लेके हाजिर हुई हूँ। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे खांसी हुई भी है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है बहुत ज़्यादा। सर्दी है, इस वजह से खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। फ्लू वगैरह भी थोड़ा बहुत हो रहा है, तो अगर मुझे खांसी वगैरह आएगी मेरी वीडियो में तो थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। कोई बंद नहीं होता, सबके साथ ही होता है। तो चलिए जी, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी बाजी बुल रही, आंटी बुल रही जी, गई हुई हैं अपने घर, माँ के घर। कभी माँ के घर पहुँच जाती हैं तो कभी पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाती हैं। खैर, पहुँचने दें उन्हें। तो ये है कि जब से वो अपने घर से गई हुई हैं तो पीछे से जी उनका डाइनिंग टेबल पता नहीं क्या क्या उठा उठा के एक दिन उन्होंने, मुझे पता है वो मेरी वीडियोस देखते हैं क्योंकि जो मैं वीडियोस में अक्सर बात करती हूँ वही अगले दिन मैं भी अपलोडी या थोड़ी बहुत वही बात करूँ, वो तोड़ मरोड़ के किसी तरह भी अपने वीडियोज़ में कर दिया। मैंने जिक्र किया था उनके डाइनिंग टेबल का, तो अगले ही दिन उन्होंने अपना डाइनिंग टेबल उठाया, निकाला, जहन में रखा, सारे बैठे, चढ़ के खाना खाया, डाइनिंग टेबल गैप कर दिया। मैंने उनको कहा कि खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल, तो उन्होंने निकाल लिया। उसके बाद देन उन्होंने उसको फिर घुसा दिया एक कमरे में, एक साइड पे उसकी सारी चेयर्स घुसा दी, सारा टेबल लगा दिया, मतलब उसको पूरी तरह से बंद कर दिया कि वो यूज़ में ना आए। अच्छा जी, अब ये कि बाजी बुल रही, आंटी बुल रही जी गई हुई हैं अपने घर में, तो माँ के घर में, तो पीछे से जी जो बा क्या नाम है, फैज़ बाजी बाजी बुल बज फयाज हैं जो, तो बाजी फयाज ने पीछे सारा समान निकाला उनका। जी ये हो मेरी मामा कहती है कुड़ी होंगी है, लोगों की होंगी है, साड़ी होंगी है, एक ही होंगी है, अपनी धी मगर समझना चाहिए वा, ये करना चाहिए वा, वो करना चाहिए वा, तो पता नहीं की करना चाहिए वा, तो इदा दल्ला गल कर करके उन्हें सारी वीडियो अपने बना ली। तो एक बात ये है कि अब फैज बाजी भी लेट के वीडियो बनाने लगे, तो उसके बुल बहुत बड़े हैं, पर जब वो लेट जाती है तो उसके बुल और ज़्यादा ज़्यादा ना कैमरे के पास हो जाते हैं, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा नज़र आने लग जाते हैं कि मुझे तो कल डर लगने लगे। फिर मैंने वीडियोस की पूरी नहीं देखी कि मेरे ना इतना नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ, तो मेरी तबीयत नहीं ठीक है, पर सब मौसम भी नहीं ठीक है, और इतने ज़्यादा नज़दीक से ऐसी चीज़ें देखना तो मुझे नहीं, मेरा दिल घबराने लग गया था। फिर मैंने उसकी वीडियो बंद कर दी थी कि मैं नहीं इतना ज़्यादा नहीं देख सकती, मैं बस हो गई है मेरी। तो बाजी फयाज ने कहा कि वो हफ्तेले गई हुई है 2 हफ्ते, मतलब वो खुद डिसाइड नहीं करे हम लोगों ने उसको क्यों निकाला हुआ, कितने दिनों के लिए निकाला हुआ, कोई उनकी खिचड़ी पक रही है जो कि खिचड़ी की समझ नहीं आ रही, फिलहाल कुछ समझ आ भी रही है, लेकिन चले हर किसी के घर का अपना मसला है, हमें उसे कोई नहीं है कि जहाँ पर भी कोई रह रहा है क्यों गया है क्यों नहीं गया है, उनकी अपनी मर्जी है। बाकी जी जो बासवीर हैं, बुल्लड़ जी हैं, जो कि अपने बुल्लों के वजन से पहले ही परेशान थे, ऊपर से उन पर बुल्लड़ी भी एक मुसलत कर दी गई है, और बुल्लड़ी जी के जादू में वो इतने ज़्यादा पागल हो गए हैं कि उन्होंने अपनी सारी बहन से उठा के पानी में घुसा दी। बंदा पूछे इतनी ज़्यादा सर्दी है, इतना ज़्यादा मौसम चेंज हुआ हुआ है, तो तुम अपनी भैंसों को पानी में क्यों ले जा रहे हो? मतलब इन मौसम में तो भैंसों को धूप में खड़ा करना चाहिए ना, तुम अगर कुछ दिन नहीं भी उनको नहलाओगे तो तुमने उनको फैशन शो में भेजना है, जो तुम उनको जाके ठंडे पानी में घुसा रहे हो, जानवर है क्या हो गया, कल इतनी मारी गई है, पागल हो गया, परेशान हो गया, बुल्लड़ी तुम्हारे लिए थोड़े दिनों के लिए ज़िंदगी में आ गई, तो बुल्लड़ी को तुमने मतलब अजीब तरह के इन लोगों ने थंबनेल बनाए होते हैं, जो नसरुल्ला वीर है उसका एक थंबनेल था, मैं बताता हूँ आज आपको सारी हकीकत साफ साफ है उसकी, तो अंदर उसका क्या था, बेबी 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 के इसलिए बता रहे हो, फैज के इसलिए बता रही है, फैज तुम लोग बेबी समझ रहे हो, बेबी को फैज समझ रहे हो, मैं तुम लोग बिल्कुल ही समझ नहीं आती कि वो लोग क्या करते हैं फिरते हैं, क्या नहीं, कभी भैंसों को पानी में घुसा देते हैं, कभी उसको टोकरा पकड़ के बिठा देते हैं मैं विश को सर पे, कभी उसको थैला पकड़ के बिठा देते, कभी इतना बड़े तोहफे की डिमांड कर दी उसने, कभी ये कर दिया कभी वो कर दिया, अजीब गरीब हरकत और उतरे हुए अजीब गरीब हरकतें करते हैं, उन्होंने करते ही रहना है क्योंकि इनका काम है, इनकी कमाई है, रोजाना कहाँ से नया टॉपिक निकाल के लेके आइए, क्या करें वो, तो उन्होंने इसी चीज़ों में से सारा दिन लगे रहना होता है, तो यही वीडियोस बनाने रहना होता है। अब ये है कि अगली बात के फैज वीर जो बुल्लड़ जी हैं, बाजी बुल्लड़ी के नहीं बाजी बुल्लड़ी नहीं फैज बाजी फयाज बज फयाज जो बाजी फयाज हैं, वो घर बना रही हैं, अब घर वो कम बना रही है, सरकारी दफ्तर ज़्यादा बना रही हैं, एक बार थंबनेल लगाया, अब मुझे नहीं पता वो थंबनेल उनके घर का है या अब इसलिए घर का तो है नहीं, तो वो कोई सरकारी दफ्तर लग रहा है जैसे कोई सरकारी दफ्तर बना रहा है, तो घर वो किसी टाइप से रहा, तो बंदा थंबनेल लगाए अगर कहीं से भी चोरी करके फोटो लगा रहा है, तो थंबनेल ऐसा तो लगाए ना कि बंदे को अगले बंदे की समझ में भी कुछ ऐसा तो ना लगाया, अगला बंदा हंस हंस के पागल हो जाए कि भाई जो घर का लगा किसी का तो सरकारी दफ्तर उठा के लगा दिया, ऊपर उसके प्रॉपर बना भी हुआ है जहाँ पे वो गार्ड वगैरह खड़े करते हैं ना, तो उन्होंने वो भी बनाया हुआ, मतलब एक मजदूर उठा के लगा दिया, एक सरकारी दफ्तर लगा दिया, साइड में अपना बूथा लगा दिया, वाह ये हालात है।
अच्छा जी, अगली बात ये है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि सरकारी दफ्तर का अपना नक्शा लगाया हुआ है। तो अच्छा जी, अगली बात ये है कि जो है क्या गंजी शर्मा, तो गंजी शर्मा ने ये ज़रूर कर लिया कि जब से मेरी वीडियोस मैंने अपलोड की कि वो लेट लेट के लेटा हुआ इंसान वीडियोस बनाता है, तो अच्छी बात है सर, लेट के वीडियोस बनाने बंद कर दिए, वो लेट के वीडियोस नहीं बनाता है, अच्छी बात है। लेकिन उसकी बाकी बातें वही हैं, आज ही मैं फ्रूट लेके आया सीखा थे, आज ही मैं आज आ चीज़ लेके आया सीखा थे, मैं आज आ चीज़ लेके आया सीखा। तो फिर मेरा ख्याल है कि कल से मैं भी एक वीडियो बनानी शुरू कर दूँ कि आज ही मैं डायपर लेके आई सीखे बच्चियाँ दे, आ मैं इन्हों का फिडर लेके आई सीखी थे, आ मैं अपने लिए की कहने हैं कोई चीज़ लेके आई सी, आ मैं ड्रेस लेके आई सीखी थी, आ मैं चीनी लेके आई हाँ, पहिया पहिया मैं आ लेके, बंदा पूछे क्या दिखा रहे हो, ये चीज़ रह गई तुम्हारे पास दिखाने के लिए, ये चीज़ तुम लोगों ने दिखाते रहना, खास तुम लोगों को चीज़ नहीं है, घंटा तुम लोग अपनी वीडियो बना लेते हो, घंटा लगा लेते हो, तो घंटे में कोई चीज़ ऐसे दिखा दिया करो ना बंदे की नॉलेज के लिए हो, कोई नॉलेज नहीं, इसने उसकी टांग खींचनी है, उसने उसकी खींचनी है, तुमने मैं बोल तो चैनल बनाना नहीं था, तुम्हारी लौट नहीं है, तुम इतना कमा रहे हो, तुम्हें जीता ही इतना है ईश्वर ने, पर फिर भी तुम्हारे को पैसा ही इतना है, लेकिन उसके बाद भी तुमने चैनल बना लिया है, और तुमने इस पर कई बार कहा मैं अच्छे तो बाहर वीडियो नहीं पानी है, लेकिन तुमने फिर भी वीडियो पाई है और उस पा रहे हो, नाल तुम कोई टाइटल लिख नहीं सकते, तो तुम तरीकों के हिसाब से पाते हो कि तुम मेरे ख्याल से एक डायरी में भी लिखते होगे कि इस तरीक को मैंने ये वीडियो पाई है तो इस टॉपिक पे पाई है, तो तुम आसानी हो जाएगी, तुम उस हिसाब से वीडियो से डेट के उठा के निकाल लोगे, इसलिए तुम डेट के हिसाब से वीडियोस डालते हो, जी भी इंसान हो तुम भी। चलो जी खैर, आगे इसका भाई है जो बड़ी सी उम्र का बुढ़ा सा आदमी है, जो काफी बुढ़ा सा आदमी है इसका भाई है, तो जी वो अपनी माँ के और बहन के घर गया जी, इसने उसको दिलावर जंजू शर्मा नहीं गंजू शर्मा ने पंखा भेज दिया है हीटर वाला, उसने जा जाके सब चेयर्स भेजी हैं, पूरी उस पर वीडियो एक बनाई है और उसकी प्रॉपर कीमतें बताई हैं कि ए जी इन्हें दिया आया है, ए जी इन्हें दा आया है, ए जी 7,000 का पता नहीं आया है, पंखा आया है, ए जी हीटर चलता है, ए जी आ चलता है, ए जी वो होंगे है, जी बाहर वाले ने पैसे भेजे सके, ये होंगे ये क्या कर रहे हो तुम लोग, एक एक चीज़ भेजते हो दिखा दिखा के, तुम लोगों की भी माँ ऐसे तुम लोग को पाला है, ऐसी बात है तुम लोग के, वो एक एक ने वाला तुम लोग को गिन गिन के दिखाती है, उसको पता होता तुम लोगों ने हरकतें करनी है, तो सबके सामने लाके पूरी दिखाती कि ये देखें जी एक बुरकी खिलाने लगी हूँ मैं गंजी शर्मा को। अब बोल तो उनको इतना ज़्यादा तुमने मतलब सबने कहना शुरू कर दिया कि उनका क्यों नहीं चैनल है, उनका चैनल बनाया, जब तुम लोग ये तो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उन दोनों का भी चैनल हो जाए, तो इसलिए तुम लोगों ने ये किया कि उनका चैनल नहीं बनाना और उन लोगों को यूट्यूब पर खास बैठा के एक वीडियो बनानी है और उसमें उन लोगों से इंटरव्यू दिलाना है कि सानू इन्ना ही मिल जाता कि सानू चैनल बनाने की लोड़ ही नहीं। भैया आजकल का दौर है जिसको जितना मिल जाए उतना ही कम है, जो पहले चैनल पर काम करती जो दोबारा भी कर सकती है, तो तुम लोग मेहरबानी करके झूठी सच्ची वीडियो बना के लोगों को ना दिखाओ कि उनको कोई ज़रूरत नहीं है काम की, क्योंकि उनको ज़रूरत है काम की, बिल्कुल उनको ज़रूरत है काम की, और फिलहाल तुम लोग ही चाहते हो कि वो लोग चैनल पे काम ना करें, अब इसलिए चैनल पे काम करने लग जाएंगे तो थोड़ा तुम लोग से जैसे वो मतलब दबे हुए हैं, तुम लोगों ने पहरेदारी के लिए रखा ना वो, क्योंकि गंजी शर्मा ने घर बनाया था वो कहाँ पर रखता क्या करता, तो उसने पहरे के लिए अपने के लिए उन दोनों को छोड़ दिया, खाली भी तो छोड़ना ही था, बाकी थोड़ा बहुत तो मतलब करना ही होता है, किसी के लिए भी करना पड़ता है थोड़ा बहुत, वो खर्चे वगैरह भेज देता है, खर्चे वगैरह कोई नहीं भेजता, आई थिंक उसने भी किसी वीडियो में बताया था कि 30,000 में देता है, 30,000 में मुझे नहीं लगता किसी का आजकल कुछ बन सकता है कि यहाँ पे 2 लाख से कम एक महीने का खर्चा नहीं होता है, तो एक महीने का इतना ज़्यादा खर्चा, तो 30,000 खर्चा वो 2 औरतें कैसे कर सकती हैं अपना, अगर एक वो ड्रेस ही लेने जाती हैं तो ड्रेस ही 10 से 12 हज़ार का तो एक आ जाता है कम से कम कीमत का भी, तो 30,000 में क्या कर लेती होंगी, अगर वो महीने में एक सूट भी चले लेती होंगी तो वो क्या करती होंगी, मुझे नहीं लगता कि मतलब कहने को तो वो कह रहे हैं हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको गुजारा हो रहा होगा, बाकी खैर उनकी ज़िंदगी है वो जो मर्जी करें, हम लोग ये देखते हैं, हम लोग उनको थोड़ी सलाह के लिए बताते हैं कि उनको थोड़ी सी अकल आते नज़र नहीं आती, क्योंकि उनका पैसे कमाने का ज़रिया है, अगर वो अकल ले आएंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे, बेवकूफ़ियाँ छोड़ देंगे, बेवकूफ़ी छोड़ देंगे लोग उनको देखेंगे कैसे, तो कोई नहीं आप उनको देखते रहें, मैं भी उनको देख रही जितनी मैं देखती हूँ जितनी बात मुझे समझ आती है, मैं आप लोगों से ज़रूर आकर इस बात पर वीडियो शेयर करती हूँ, बाकी ये है कि फ़िलहाल आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त, क्योंकि मुझे थोड़ा सा घर का काम भी है और थोड़ा सा बाहर भी जाना है कहीं, तो उसके बाद फिर मैं आपसे नई वीडियो लेकर दोबारा से मिलूंगी, फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आपके दोस्त मधुर।